सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। बारिश भी हो रही है बाहर, मॉनसून चल रहा है, आधे आपके को एक्टर्स के बैकअप भी हो गए, यू आर स्टिल वर्किंग। आधे सारे सबका बैकअप हो गया है। मैं बची हूँ, इंद्रपाल जी बचे, अंगद बचा है, अंगद का भी जल्दी हो जाएगा। Okay. किस तरह से मॉनसून आप एंजॉय करते हो? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ बारिशों की, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बारिशें। तो जब मैं ड्राइव के लिए, मतलब जब मैं जाती हूँ पैकअप के बाद घर जा रही होती हूँ, तो मेरी दोनों खिड़कियाँ नीचे होती हैं, म्यूजिक बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे होता है, और मैं तब ऐसे गाड़ी चलाती हूँ, बिकॉज दैट्स द ओनली टाइम आई गेट टू बी विद माई सेल्फ। तो ऐसे इंजॉय करती हूँ मैं बारिश। यहाँ तो बस आवाज़ ही सुनाई दे रही होती है कि हाँ बारिश हो रही है, बिकॉज पूरे दिन तो यही होते हैं। हाँ, बट रात को ऑल्सो व्हेन आई गो टू स्लीप, तो मेरा लकीली आई हैव अ प्लेस जिसमें पूरा विंडोज ऐसे ओपन हो जाता है, तो आई जस्ट ओपन ऑल द विंडोज एंड फैन एंड जस्ट स्लीप। इट्स हेवन। तो अभी कुछ प्लान्स है ये मॉनसून का कि लॉन्ग ड्राइव पे जाए अकेले? कोई है लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाने वाला मुझे? छुट्टी है मेरे पास, ना तो छुट्टी है ना तो ले जाने वाला है, बस यही होना है, मेरे घर पे खिड़की खोल के सोना ही है मुझे, और कुछ नहीं है। तो अगर स्कूल की बात किया जाए, तो स्कूल में स्कूल रीओपन होता था बारिश के सीजन में ही, तो क्या कुछ मेमोरीज है आपका स्कूल के टाइम का? स्कूल पे भी मतलब मूड अच्छा हो जाता था मेरा, बारिश को देखते ही मैं खुश हो जाती थी, और स्कूल में तो इतना कुछ करने को नहीं मिलता था, बट हाँ घर पे आके जब भी हम देखते थे बारिश हो रही है, हम टेरेस पर चले जाते थे, मैं और मेरा ब्रदर, एंड वी यूज्ड टू लाइक पूरा खेलते थे हम बारिश में, पागल हो जाते थे हम दोनों को ही बहुत पसंद है बारिश। तो बारिश में भीगना पसंद है या घर पे बैठ के बारिश एंजॉय करना पसंद है? पहले बारिश में भीगना, उसके बाद अंदर आके फ्रेश होके बैठ के चाय पीना, उसके साथ जो भी कुछ गरम गरम स्नैक्स लेकर आ जाओ, सब पसंद। तो अभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है रिसेंटली जब बारिश हुई है घर पे आपने, मतलब आप पहली बारिश थी जब आप भीगे थे या फिर नहीं? घर पे नहीं, बट आई रिमेम्बर आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू पिक माय मामा, एंड आई वाज अकंपनीड विद जतिन हमारा वीर, बिकॉज उसकी भी सिस्टर आ रही थी, तो कोइंसिडेंटली वी बोथ वर गोइंग टू द एयरपोर्ट, एंड बारिश होने लग गई बहुत तेज, हमने रास्ते में गाड़ी रोक कर, हम सड़क पर खड़े होके हम भीग रहे हैं गाड़ी की, हम फुल वॉल्यूम करके, वी आर डांसिंग ऑन रोड, वी आर क्रेजी पीपल, लोग हमको देख रहे हैं और हम पागल। आई थिंक जतिन ने एक वीडियो भी अपलोड किया था यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तो वी वर लाइक ही इज माई फन बॉल, वो उसके साथ आई जस्ट गेट मैड, ही इज अ क्रेजी पर्सन। तो हम सड़क पर हाईवे पर ऐसे नाच रहे थे, नॉट हाईवे, सड़क पर, रेड लाइट से थोड़ा पीछे साइड में, म्यूजिक तेज करके, दैट वॉज वेरी मच फन। और जब खाने की बात आती तो क्या कुछ खाने का इच्छा होता है बारिश में स्पेशली? चाय, मैगी, पकौड़े, ये सारी चीजों में से आपको क्या कुछ बनाने आता है? सब आता है मुझे बनाना, मैगी तो सर्वगुण संपन्न हूँ, नहीं मुझे सब आता है। कुछ ऐसा स्कूल में कभी इंसिडेंट हुआ है कि बारिश तेज हो रही है, पानी भर गया है तो छुट्टी मिली है, हाफ डे मिला है स्कूल में? ऐसा स्कूल वालों ने कभी छुट्टी नहीं करी, हमारे घर वाले बोलते थे बेटा बारिश बहुत हो रही है मत जाओ स्कूल, तो इतना स्ट्रिक्ट था हमारा, नेवर, बारिश हो रही है तैर के आओ पर आओ। ओके, लास्टली जाते जाते फैंस को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे जो इतना प्यार आपको दे रहे हैं? तो अभी तो आजकल मतलब रोज पे रोज प्यार बढ़ता ही जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो जो हम मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रही है, लोगों तक वो चीजें पहुंच रही हैं, उन्हें पसंद आ रही हैं, वो एक्टिंग की तारीफें करते हैं, वो लुक्स की तारीफें करते हैं, वो ओवरऑल शो की इतनी तारीफें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि यस यू आर गोइंग ऑन अ राइट वे, तो लोगों को अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू, कीप शावरिंग योर लव, थैंक यू सो मच।